किरण और नेहा नाम की दोनों दोस्त एक ही कंपनी में काम किया करती थी और उनकी दोस्ती भी उसी कंपनी में हुई थी। किरण को हमेशा अपने घर के लिए लोकल ट्रेन लेनी पड़ती थी, वो हमेशा चंबल एक्सप्रेस से अपने घर जाया करती थी। तो वहीं नेहा का घर उसके ऑफिस के ही पास था और इसलिए वो भी चाहती थी कि वो भी कभी ट्रेन का सफर करे। और जब उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त चंबल एक्सप्रेस से ट्रेवल करती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है। और एक दिन जब किरण ऑफिस का काम खत्म करके घर के लिए निकलने लगती है तो नेहा किरण से बोलती है, किरण तुम चंबल एक्सप्रेस से जाती हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? यार मैंने सुना है कि वो ट्रेन भूतिया ट्रेन है, उस ट्रेन पे किसी भूतनी का साया है। जब भी वो ट्रेन पोथी से होकर गुजरती है सभी लोग उस ट्रेन की खिड़की और दरवाजे को बंद कर लेते हैं क्योंकि उस ट्रेन पर एक भूतनी का साया है और सब अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो भूतनी उस ट्रेन में बैठे सभी लोगों को मार देती है। क्या ये सब सच है? मैंने भी इस ट्रेन के बारे में सुना तो बहुत कुछ है पर आज तक मैंने कभी कुछ देखा नहीं। और देख यार, तुझे तो पता है ना कि मैं कितनी डरपोक हूँ। और देख, मेरे घर जाने का समय हो रहा है तो इस टाइम पर ऐसी बात मत कर। क्या यार, तुझे इतनी बार मौका मिला और तू है कि मुझे नहीं करनी अब इस बारे में बात। इतना बोलकर किरण वहां से चली जाती है और ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद उसको बस नेहा की बात याद आती है। आज किरण जिस बोगी में बैठी थी उसके आसपास की सीट पर भी कोई नहीं था। पोथी स्टेशन के आते ही सभी लोग ट्रेन की खिड़की और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। किरण भी ऐसा ही करती है और आंख बंद कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसका स्टेशन आ जाता है और किरण जल्दी से ट्रेन से उतर जाती है और घर चली जाती है। पर उसी रात उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जिस वजह से वो अगले दिन ऑफिस नहीं जा पाती। पर जब नेहा को उसकी तबीयत का पता चलता है तो वो अपने घर में बोलती है, माँ नेहा की तबीयत बहुत खराब है और कल संडे है। मैं सोच रही हूँ आज ऑफिस खत्म होने के बाद वहीं से किरण के घर चली जाऊँ उसे मिलने और कल रात को घर आ जाऊंगी। उसे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उससे मिलने जाऊं तो। ठीक है, चली जा, पर अपना ख्याल रखना और ये माता रानी का लॉकेट पहन ले, तेरे पापा वैष्णो देवी से तेरे लिए लेकर आए हैं। नेहा अपनी माँ के हाथों से वो लॉकेट लेकर पहन लेती है और शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद किरण से मिलने उसके घर जाती है। आज नेहा के पास अच्छा मौका था ये जानने का कि चंबल एक्सप्रेस के बारे में जो बातें उसने सुनी है वो सच है या झूठ। और इसलिए नेहा उसी ट्रेन से जाने का फैसला लेती है जिसमें नेहा बैठकर जाती है और खुद से बोलती है, आज मैं भी देखूंगी इस ट्रेन की भूतनी आखिर है कौन। आने दो उसको मेरे सामने, मैं तो उससे भी दोस्ती कर लूंगी। इतना बोलकर नेहा ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगती है। जैसे ही पोथी स्टेशन आता है सभी लोग ट्रेन की खिड़की और दरवाजे को बंद करने लगते हैं। ये देखकर नेहा अपने सामने बैठी हुई औरत से बोलती है, ये आप क्या कर रही है, आप खिड़कियां क्यों बंद कर रही है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि यह एक श्रापित ट्रेन है और यह ट्रेन भी पोथी स्टेशन से होकर जाती है जिसमें इस ट्रेन की भूतनी आ जाती है। अगर खिड़कियां दरवाजे बंद नहीं किए ना तो वह भूतनी इस ट्रेन में बैठे सभी लोगों की जान ले लेगी। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती। लगता है इस ट्रेन में तू पहली बार सफर कर रही है और तुझे इस ट्रेन की भूतनी से मिलने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। अगर तुझे उस भूतनी से मिलना ही है तो तू कल ट्रेन में अकेले सफर करना, पर आज हम सबकी जान बख्श दे। तू कल आना इस ट्रेन में, कल ये ट्रेन पूरी खाली रहेगी, तू आराम से खिड़की दरवाजे खोल कर रखना। जब वो भूतनी तुझे मिल जाए तो तू उससे दोस्ती भी कर लेना। अभी मुझे ये खिड़की और दरवाजे बंद करने दे। इतना बोलकर वो औरत जबरदस्ती खिड़कियों को बंद कर देती है। कुछ देर बाद नेहा का स्टेशन आ जाता है और वो किरण से मिलने उसके घर जाती है।
और उससे उसका हाल समाचार पूछती है और उसी के घर पर अपनी रात गुजारती है। अब अगली सुबह जानबूझकर नेहा अपने घर के लिए नहीं निकलती और किरण से बोलती है, किरण तेरा घर तो बहुत अच्छा है, जाने का मन ही नहीं कर रहा, चल कहीं घूम कर आते हैं। मैं शाम को अपने घर जाऊंगी। शाम को क्यों? मैं तो कहती हूँ तू कल मेरे साथ ही ऑफिस चलना, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं यार, मैंने माँ से बोला था कि आज रात को मैं घर आ जाऊंगी तुझसे मिलकर। अच्छा चल ठीक है। अब रात को नेहा किरण के घर से अपने घर के लिए निकलती है और इस बार फिर से नेहा चंबल एक्सप्रेस में ही बैठती है। ट्रेन पूरी तरह से खाली होती है। पूरी ट्रेन में नेहा अकेली बैठी होती है। नेहा को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि आज वो इस ट्रेन की भूतनी को देख ही लेगी, जिससे सभी लोग डरते हैं। ट्रेन चलने लगती है। कुछ ही समय में ट्रेन पोथी स्टेशन पर आ जाती है, पर नेहा ट्रेन की खिड़की और दरवाजे बंद नहीं करती। कुछ समय बाद ट्रेन दोबारा चलती है और पोथी स्टेशन से आगे निकल जाती है, परंतु अब तक नेहा को कुछ नहीं दिखाई देता, जिसके बाद नेहा खुद से बोलती है, बेकार का ही लोगों ने अफवाह मचा रखी है, चंबल एक्सप्रेस के लिए कोई भी तो नहीं है ट्रेन में, मैं तो कितने आराम से जा रही हूँ। इतना बोलकर नेहा फोन चलाने लगती है और 5 मिनट बाद उसके सामने एक सफेद साड़ी में औरत आकर बैठ जाती है। नेहा उस औरत को देखकर डर जाती है और सोचती है, ट्रेन तो पोथ स्टेशन के बाद कहीं नहीं रुकी, तो ये आंटी कहाँ से आई? नेहा तू तो फालतू की बातें सोच रही है, क्या पता आगे पीछे किसी बोगी में से आई होगी। इतना सोचकर एक बार फिर नेहा अपने फोन में व्यस्त हो जाती है, परंतु इस बार जब वो अपने सामने वाली सीट की ओर देखती है तो वो औरत उसके सामने नहीं होती, जिसके बाद नेहा उस औरत को आवाज देते हुए वॉशरूम के पास जाती है और देखती है कि वो औरत दरवाजे के पास खड़ी है। उस औरत के दोनों पैर उल्टे हैं। ये देखकर नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो औरत नेहा की ओर घूमती है। नेहा देखती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। ये देखकर नेहा की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है और भूतनी नेहा से बोलती है, मुझसे ही मिलना चाहती थी ना तुम, मैं ही हूँ इस ट्रेन की भूतनी, जानना चाहती थी ना कि मैं कैसे मरी और ट्रेन पर मेरा साया कैसे आया। तो सुन, आज से कुछ साल पहले इसी तरह ट्रेन में मैं अकेली सफर कर रही थी, तभी कुछ गुंडे आए और उसने पूरी ट्रेन को लूटा। गुंडे मेरे पीछे पड़ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे, और बस तभी मैंने इस ट्रेन से कूद कर खुदकुशी कर ली और अपने आप से वादा किया कि इस ट्रेन में चढ़ने वाले हर इंसान की मैं जान ले लूंगी, क्योंकि इसी तरह किसी ने मेरी मदद नहीं की, सब मेरे साथ हो रहे बदसलूकी को आराम से देख रहे थे। तब से मेरी आत्मा पोथी स्टेशन पर घूमने लगी और जब भी यह ट्रेन पोथी स्टेशन पर आती है मैं इस ट्रेन में चढ़ जाती हूँ लोगों से अपना बदला लेने के लिए। भूतनी की कहानी सुनकर नेहा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब भूतनी उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही भूतनी उसका गला दबाती है, उस भूतनी को एक जोरदार झटका लगता है और वो भस्म हो जाती है। तो वहीं नेहा बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को घर पर पाती है और उसे पता चलता है कि वो भूतनी नेहा का कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ पाई क्योंकि नेहा की रक्षा माता रानी कर रही थी। उसकी जान उसके गले में पड़े लॉकेट की वजह से बची थी, जिसके बाद से नेहा कभी भी उस ट्रेन में नहीं बैठती और ना ही किसी को उस ट्रेन से कहीं भी आने जाने की सलाह देती है।